बिहार के गया जिले के एक किसान तरबूज की खेती से मालामाल हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गया शहर के चंदौती के रहने वाले धर्मेंद्र कुमार की। धर्मेंद्र बाजार समिति के पीछे 6 एकड़ में तरबूज की खेती कर रखे हैं और हर चौथे दिन 3 से 4 टन तरबूज का उत्पादन हो रहा है। इन्होंने जन्नत वैरायटी का तरबूज लगाया है जो 60 से 70 दिनों का फसल है। तरबूज की खेती से हर चौथे दिन धर्मेंद्र 70,000 रुपये की आय हो रही है और 2 महीने में लगभग 10 लाख रुपये की आमदनी हुई है। जनत प्रजाति के तरबूज की खासियत यह होती है कि प्रति एकड़ 25 टन तक उत्पादन होता है और खाने में अन्य तरबूज की तुलना में अधिक मीठापन होता है। पिछले साल भी ट्रायल के तौर पर धर्मेंद्र ने 10 कट्ठा में तरबूज लगाया था और उसमें फायदा होने के बाद इन्होंने इस वर्ष 6 एकड़ में लगाया है। इन्होंने आरा से तरबूज की नर्सरी मंगवाया था और फरवरी माह में अपने खेतों में लगाया था। इनके खेतों से हर तीसरे चौथे दिन 4 टन तक तरबूज की हार्वेस्टिंग हो रही है। इस प्रजाति के तरबूज की डिमांड सबसे अधिक पटना में खूब है। आम तरबूज की तुलना में इसका रेट भी अधिक है और थोक भाव में 20 रुपये किलो किसान इसे बेच रहे हैं। गया से लोकल एटिन के लिए कुंदन कुमार। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ और मेरा फार्म सानवी ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोजेक्ट है। यहाँ हम तरबूजे और खरबूजे की खेती काफ़ी बड़े पैमाने पर करते हैं। कितना लगाए हुए यहाँ पे? हमारा लगाए हुए थे 6 एकड़, लेकिन 3 एकड़ हम हार्वेस्टिंग कर चुके हैं और हमारा 3 एकड़ हार्वेस्टिंग कर रहे हैं अभी। तरबूजा खरबूजा का जी कितना उत्पादन हो रहा है इसमें? हमारा तकरीबन 1 एकड़ में 25 टन का उत्पादन है और लमसम अभी हम 4 दिन पे हम 4 से 5 टन हम ये कर रहे हैं। मतलब हर चौथे दिन हार्वेस्टिंग कर रहे हैं? हर चौथे दिन? हाँ, चौथे दिन पे। कितना टूट रहा है 4 दिन पे? अभी 4 दिन पे वही तकरीबन 3 से 4 टन। 4 टन तक? हाँ, 4 टन। क्या रेट में बिक रहा है ये? हमारा हर मार्केट में हर तरबूजे से हमारा ये महंगा तरबूजा है। ये जन्नत वैरायटी का है और इसमें हमारा पटना माल जा रहा है और 18 से 20 का रेट मिल रहा है इसमें। 18 से 20 जी, यानी कि 60 से 70 हज़ार रुपये हर 4 दिन पे आ रहा है। जी, आ रहा है। अभी तक कितना तोड़ चुके हैं, कितना फ़ायदा हो चुका है? अभी इसमें हमारा तकरीबन 15 टन लमसम हम हार्वेस्टिंग कर चुके हैं ये 3 एकड़ से। अभी हमको हार्वेस्टिंग और करना है। और तो इसकी खेती में कितना पूंजी वगैरह लगा है आपका? 3 एकड़ में कर रहे हैं ना जी? कितना पूंजी लगा होगा 3 एकड़ में? ये 3 एकड़ में हमारा पूंजी लमसम में कुछ अच्छे खासे आ जाते हैं। लमसम में 2 लाख के लमसम। 2 लाख? कितना तक फ़ायदा हो गया इसमें? इसमें भी हमको 10 लाख के लमसम है जो प्रॉफिट में आ रहे हैं। कितने दिन का ये खेती है? ये 65 दिन का खेती है। 65 दिन में 10 लाख? हाँ, 65 दिन में ये अच्छा, ये हमारा खेती समझ में आया और पिछले वर्ष हम कम मात्रा में लगाए थे। अब आगे भी करना जी, और आगे हमारा और भी इससे भी काफ़ी मात्रा में रहेगा।